Now let's talk about the key features of Indian Constitution. So by the beginning of 20th century, that means in the starting of 20th century, the Indian National Movement started. So 20th century ki shuruaat mein Indian National Movement start hua. Ye National Movement kafi saalon tak chala aur finally India ko azadi mili. So this National Movement led the foundation of free India, where we talk about equality, opportunity, we talk about freedom, we talk about liberty and so on. So is National Movement ke duration mein hum logon ne jo problems face kiya, as well as iske purane samay pe jo Britishers ka kaal tha Bharat mein, tab hum logon ne jo bhi purani jheli, jo bhi baatein jheli, upar se jo bhi social evils jhele, जो भी अत्याचार झेले, उनको मद्देनजर रखते हुए हमारे देश में ऐसे कानून और प्रावधान लाए गए कि आगे आने वाले समय में ना ही कुछ सामाजिक बुराइयां हमारे देश में रहे, ना ही कोई आके हम पे राज करने लगे. सो ये सारे की फीचर्स जो थे, लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी, अपॉर्चुनिटी और बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में जोड़ी गई. तो हमारे संविधान की फाउंडेशन कुछ ऐसा रखा गया कि ये सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सके, कि अगर कोई पर्सन किसी अदर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, कास्ट ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है या लैंग्वेज बोलता है, तो सभी को उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, सारी की सारी चीज़ें इक्वल उससे भी प्रोवाइड हो जैसे कि इंडिया के अदर सिटीजन्स को हो. सो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ, सो द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी एंड डिफरेंट कल्चर कम टुगेदर. उस ड्यूरेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लगभग 300 लोग जो थे वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के थे, डिफरेंट कल्चर के थे, पर सब साथ में आके कॉन्स्टिट्यूशन पे अपना आइडिया देते हैं, एज वेल एज 300 पीपल्स जो साथ में आते हैं उनकी मदद से एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन 1946 से बनना ही हमारे सामने स्टार्ट हो जाता है. सो नाउ हियर इज इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज गिवन. सो द फर्स्ट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लेड द ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. As his main idea was to promote the scheduled caste and to help them to join the government job. So, Dr. B.R. Ambedkar promote scheduled caste people to join the government job because of their condition, because of they face a lot of problem in past. So, like untouchability. So, because of these, he also belonged from the same community where he face a lot of social evils like untouchability and many more. So, his idea is for scheduled caste, he says, to join government jobs and to join politics to the people who belongs to scheduled caste and so जो निचली caste जितनी भी उस समय जानी जाती थी उन लोगों के लिए. So now these members of constitution assembly had a huge task before them. So जो 300 members थे constitution assembly के, उनके सामने एक बहुत बड़ा task था कि जो इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ है, इतने सारे कल्चर फॉलो किए जाते हैं, अलग अलग स्टेट लैंग्वेज बोली जाती है, तो सभी को साथ में लेके आना और सबके भले के लिए कोई एक रूल बुक बनाना, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं. सो वो बहुत ही मुश्किल काम था. उसी ड्यूरेशन में 1946 के अराउंड में पाकिस्तान की मांग उठी थी. सो इंडिया का पार्टीशन हो रहा था. सो काफ़ी सारे लीडर्स इस पार्टीशन के पक्ष में नहीं थे. दे डिनाइड पार्टीशन ऑफ इंडिया, बट सम रूलर्स आर वेरी were very desirable to partitionate India. Okay, so जो पाकिस्तान का जो मुद्दा था वो भी हमारे सामने आया था. सो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए भारत में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया जो सभी को राइट देता था बराबरी का. सो हमारे सामने कुछ बेसिक पिलर्स है इस कॉन्स्टिट्यूशन के. वी हैड टू फ्यू पिलर्स ऑन विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेड. सो इसके जो बेसिक पिलर्स है उसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. दैट पिलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लाइक फेडरलिज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलरिज्म एंड फंडामेंटल राइट्स. सो वी विल डिस्कस दिस ऑल थिंग्स इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू.